दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकते? आखिर कोल्ड ड्रिंक कैसे हमारे शरीर में मौजूद फेफड़ों को फाड़ देती है? और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप ठंडा समझकर पीते हैं, वो शरीर में जाने के बाद आखिर करता क्या है? कोल्ड ड्रिंक पर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में सवाल उठाया जाता है तो वो है इसमें मौजूद चीनी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी का नुकसान तो बस एक ट्रेलर है, इसमें और भी इतनी सारे नुकसान पहुंचाने वाली चीज मौजूद है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। सबसे पहले तो लोगों में ये गलतफहमी है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से पेट की गैस बाहर निकलती है, इसलिए चलिए आज हम शुरुआत यहीं से करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। अब यहाँ पानी मतलब आपके घर में आने वाला पानी नहीं, बल्कि सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सोडा वाटर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले से ही मिलाया गया होता है। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बार बार डकार आने लगती है, क्योंकि जो गैस कोल्ड ड्रिंक में पहले से मौजूद होती है, शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पेट की गैस बाहर निकल रही है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक को किसी ग्लास में निकालने पर आप खुद भी गैस को ऊपर आता हुआ आसानी से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये तो एक छोटा विलन है, जो कि पीते वक्त आपके दांतों के ऊपरी परत को और आपके शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेन विलन तो अभी भी बाकी है। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज है जिसमें पचाने लायक कुछ भी नहीं होता, इसलिए छोटी आंत से होकर सीधे खून में पहुंच जाता है। एक 500 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक में लगभग 40 से 50 ग्राम चीनी मौजूद होती है, जो कि ऐसे देखा जाए तो 10 से 12 चम्मच के बराबर होती है। जब इतनी चीनी एक ही बार में हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करने लगता है, जिससे कि डायबिटीज जैसी बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चीनी हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मारने लगता है, जिससे कि पाचन शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब खून में इतनी ज्यादा चीनी एक ही बार में ग्लूकोज के रूप में पहुंचती है तो हमारा शरीर उसे फैट के रूप में तब्दील करने लगता है। जब ये फैट हमारे लीवर में जमा होता है तो फैटी लीवर जैसी बीमारी और शरीर के दूसरे हिस्से में जमा होने पर व्यक्ति मोटापे का शिकार होने लगता है। लेकिन जिस तरह छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 10 से 12 चम्मच के बराबर चीनी मौजूद होती है, अगर इतनी चीनी का कोई व्यक्ति एक ही बार में इस्तेमाल करता है तो उसे घबराहट सी महसूस होने लगती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल करने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एक और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फॉस्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये केमिकल चीनी की मिठास को कम तो करता ही है, साथ ही साथ ये कोल्ड ड्रिंक को एक टैंगी टेस्ट प्रोवाइड करता है। बार बार कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने पर उसमें मौजूद ये फॉस्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम को एब्सॉर्ब होने से रोकने लगता है, जिससे कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों ही मौजूद होते हैं, जो कि आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। इसलिए इसे पीते वक्त ये दांतों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत को कमजोर करने लगता है और इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। आपको क्या लगता है कि सिर्फ शराब या फिर ड्रग्स की लत लगती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है जो कि अपने शिकार को यूं ही जाने देगी। हाँ, एक बात और याद आई, कोल्ड ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्ट सॉफ्ट बोल के लोग इसे इतना सॉफ्ट समझ लेते हैं कि उसे लगता है कि इसे पीने से कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये आपकी भूल है। कोल्ड ड्रिंक में दो ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि धीरे धीरे बंदे को अपना दीवाना बना देती है। कोल्ड ड्रिंक में शुगर और कैफीन जब दिमाग तक पहुंचता है तो इससे डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिससे थोड़ी देर के लिए बंदे की सुस्ती गायब हो जाती है और बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। थोड़ी देर में ही बंदा पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है। फिर थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए बंदे को बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मोटिवेट करने लगता है और इस तरह धीरे धीरे अच्छा खासा इंसान कोल्ड ड्रिंक की लत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पे दो चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने की ताकत होती है। एक तो कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचाने के लिए इसमें पोटेशियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शरीर में जाकर बेंजीन बनाता है, और बेंजीन कार्सिनोजेनिक होता है जो कि कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है, इसका खूबसूरत ब्राउन रंग बस यूं ही है? अब इसे कंपनी की मजबूरी समझे या फिर हम लोगों की बेवकूफी, जब तक कि कोई भी चीज देखने में अच्छी ना हो, लोग उसे खरीदते ही नहीं। इसलिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी तो लोग घर में भी कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें कलर डाल ही देते हैं। शायद ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो रंगीन चीजें वो खाते हैं वो पेट में जाकर पेंटिंग बनाती है। नहीं तो भला कोई भी इंसान इतनी खतरनाक चीज को अपने खाने में कैसे डाल सकता है? ज्यादातर आर्टिफिशियल कलर कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देने की ताकत रखते हैं।
अब आपको पीना ही है तो कुदरत के बनाए कोल्ड ड्रिंक पियो, कोई कमी नहीं है। ये टेस्ट में भी अच्छे हैं और आपके शरीर को भी फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, इसी तरह कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है।